यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। विधानसभा चुनाव के बाद दूसरी हार, क्या सपा गठबंधन का भविष्य भी अब तय करेगा? क्या अखिलेश यादव से उनके अपने ही दूरी बना लेंगे? क्या फिर से सपा का गठबंधन लंबे वक्त तक नहीं चलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। ये सवाल सियासी गलियारों में खूब सुनाई दे रहा है क्योंकि एक के बाद एक चुनाव में सपा को हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले विधानसभा चुनाव, फिर एमएलसी का इलेक्शन और अब ये बाई इलेक्शन। ऐसे में मायावती और ओवैसी जैसे विरोधी कहते हैं कि सपा में तो वो कुव्वत ही नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके। वहीं अब अखिलेश यादव के सहयोगी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निशाना साध रहे हैं उन पर, फिर चाहे ओम प्रकाश राजभर हो या फिर संजय चौहान। वहीं अब पल्लवी पटेल ने भी कुछ वैसा ही कहा है। पल्लवी पटेल भी विपक्ष को एसी कमरों से निकलकर मेहनत करने की बात जब वाराणसी में कहती हैं तो उसके कई मायने निकाले जाने लगते हैं। सुनिए बाई इलेक्शन को लेकर उन्होंने क्या कहा। देखिए, अभी जो हमारे देखने में आया है, जो चुनाव भी बीता है जनरल असेंबली इलेक्शन, उसमें मुझे तो कहीं पर भी नहीं लगा कि बहुजन समाज पार्टी कहीं चुनाव लड़ी है। और ऐसे में अगर मायावती जी एक बहुत मंझी हुई राजनीतिक हैं और अगर ऐसा कोई उनका स्टेटमेंट है तो कहीं ना कहीं उन्होंने डेटा एनालिसिस की होगी, कहीं ना कहीं उन्होंने मंथन किया होगा। ओवैसी ने डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि सपा में कुव्वत नहीं है, भाजपा का राज। मेरा ये मानना है हर संगठन अपने आप में परिपक्व होता है और विचारधारा और नीति के साथ कार्यकर्ता समाज को लेकर के सबके साथ संघर्ष करेंगे। मेरा ये मानना है इस वक्त पूरे विपक्ष को एसी कमरों से निकल करके सड़क पे आना चाहिए और मुद्दों को उठा करके समाज और देश के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। पल्लवी से पहले ओम प्रकाश राजभर और संजय चौहान भी कहते हैं कि अखिलेश केवल ट्विटर से राजनीति कर रहे हैं जबकि उनको निकलकर जमीन पर काम करना चाहिए। दगी हुई कारतूसों से जंग कैसे जीतेंगे? अभी एमएलसी और राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिनके कहने से उन्होंने राज्यसभा की दो दो सीटें दे दी, एमएलसी की दो दो सीटें दे दी, वो तो अपना गढ़ नहीं बचा पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दिया, हार गए और फिर एमएलसी बना दिया। अखिलेश यादव जी इसकी समीक्षा करेंगे कि मौर्य वोट उनकी वजह से कितना मिल गया। चुनाव में अखिलेश यादव जी का न जाना, कार्यकर्ता और पदाधिकारी उस हताशा से न निकल पाना भी एक हार का कारण रहा। दूसरी बात कि अखिलेश यादव जी को यह तय करना होगा कि जब तक वो अदर, जो यादव से अदर बैकवर्ड है, उनको जब तक वो जोड़ेंगे नहीं और भाजपा से ये अदर बैकवर्ड जब तक हटेंगे नहीं, नॉन यादव ओबीसी, तब तक आप भाजपा का विकल्प नहीं बन सकते। मैंने कहा था आजमगढ़ तक नहीं, मैंने कहा था कि आजमगढ़ में हम साथ साथ हैं और आगे भी हम लोग रहेंगे। जब तक अखिलेश यादव जी को अब एसी से बाहर नहीं निकाल लेंगे तब तक हमको चैन नहीं है। आपकी ये बातें जो बेबाकी हैं वहाँ पर चुभती भी होंगी? तो चुभे, देखिए सच कड़वा होता है और सच सुनने की जो स्वीकार कर लिया वो आगे निकल जाएगा, जिसको सच बुरा लगेगा वो फेल हो जाएगा। और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी राजभर ऐसा बोल चुके हैं। शिवपाल यादव ने तो ये सलाह विधानसभा चुनाव के फौरन बाद ही दे दी थी। तो वहीं अब और भी सहयोगी ये बात बोलने लगे तो सवाल उठने लगा कि क्या एक के बाद एक हार के झटके से गठबंधन की गांठ कमजोर पड़ने लगी है। वहीं पार्टी के भीतर से भी उपचुनाव में अखिलेश की दूरी को लेकर नाराजगी और असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो चुनाव था बाई इलेक्शन का, जिसमें कहा गया कि अगर अखिलेश थोड़ा एफर्ट लेते और तो इसे जीता जा सकता था, इसके हारने के बाद गठबंधन पर असर पड़ेगा? जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर या पल्लवी पटेल या फिर संजय चौहान बोल रहे हैं, क्या उसका भी असर देखने को मिलेगा? क्या गठबंधन पर भी कोई आंच आ सकती है? अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए, यूपी तक.in पर तफसील से खबरों को पढ़ते जाइए।